दोस्तों, क्या आप भी अपने फ़ोन में जो है वो किसी भी ऐप को जो है वो लॉक लगाना चाहते हो? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे कि मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पर जो है वो क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पर जो है वो लॉक लगा हुआ है। अगर जब मैं जैसे किसी और ऐप को जो है वो ओपन करता हूँ तो मेरे यहाँ पर जो है वो इस ऐप में भी जो है वो लॉक लगा है। जैसे ही मैं लॉक एंटर करूँगा तभी मेरा जो है वो व्हाट्सएप ओपन हो पाएगा या किसी भी ऐप पर जो है वो अगर आप जो है वो लॉक लगाना चाहते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई सा भी मोबाइल है तो आप किसी भी मोबाइल में जो है वो किसी भी ऐप को जो है वो कैसे लॉक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दो ट्रिक बताऊंगा। पहले नंबर वाली ट्रिक तो जो है वो एक तो आपके मोबाइल में जो है वो सेटिंग होती है ऐप को लॉक करने की। अगर तो आपके मोबाइल में वो है तो आप उस तरीके से जो है वो अपने मोबाइल के ऐप को जो है वो लॉक कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल फोन की सेटिंग में जो है वो वाली सेटिंग नहीं है तो मैं आपको दूसरे वाली ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से तो जो है वो अगर आपके पास कोई सा भी मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल में जो है वो किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो। तो अब पहले मैं आपको जो है वो फोन की सेटिंग में ही एक जो है वो सेटिंग होती है जिससे आप जो है वो किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो। जैसे ही आप अपनी सेटिंग को ओपन करोगे उसके बाद में आपको यहां पर जो है वो फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड लिखकर आया होगा या आपके मोबाइल में अकेला पासवर्ड के नाम से भी हो सकता है। तो आपने वहां पर करना है क्लिक। वहां पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखता है जैसे कि आपको यहां पर जो है वो फिंगर फेस और स्क्रीन लॉक का ऑप्शन दिखेगा। और अगर आपके मोबाइल फोन में जो है वो प्राइवेसी एंड ऐप का ऑप्शन है तो आप यहां पर जो है वो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो आप इसकी मदद से जो है वो किसी भी ऐप को जो है वो लॉक लगा सकते हो। अगर आपके मोबाइल फोन में जो है वो ये जो है वो नाम से जो है वो ऑप्शन है तो आप इस ऑप्शन की मदद से जो है वो किसी भी ऐप को जो है वो लॉक कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में जो है वो ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऐप को लॉक लगाने वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको, तो आपको करना क्या होगा, आपने जो है वो दूसरे नंबर वाली ट्रिक को अप्लाई करना है अपने मोबाइल में। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो है वो प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। दोस्तों, मैं आपको जो है वो 100% वर्किंग ट्रिक बताऊँगा जिससे आप जो है वो किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो। उसके बाद में आपने यहाँ पर एक जो है वो ऐप सर्च करना है जिसका नाम है हाइड यू कैलकुलेटर। दोस्तों, आप ये ध्यान से देख लो, हाइड यू कैलकुलेटर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपने इस ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इस ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद में जो है वो जैसे आपका ये ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में आपने इस ऐप को जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे मोबाइल फ़ोन में जो है वो ये ऐप जो है वो इंस्टॉल हो गया है। मैं अब इसे जो है वो ओपन करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप किसी भी ऐप को जो है वो इस ऐप के माध्यम से जो है वो लॉक कैसे लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो है वो कैलकुलेटर वाला ऑप्शन है तो मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक। दोस्तों, इसका जो है वो एक और ज़्यादा फायदा है क्योंकि दोस्तों कैलकुलेटर वाला है, इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि इस ऐप के माध्यम से जो है वो आपने लॉक लगाया है ऐप को। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपने एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद में आपने जो है वो अलो कर देना है। जैसे दोस्तों आप अलो कर दोगे उसके बाद में जो है वो आपके पास जो है वो एक इंटरफेस आएगा। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर जो है वो एक पिन लगाना है कि अगर आपके मोबाइल में ये पिन लगेगा तभी आपका सारा कुछ जो है वो ओपन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है वो कोई भी यहाँ पर जो है वो पासवर्ड लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है वो पासवर्ड लगा दिया, उसके बाद में मैं फिर से जो है वो यहाँ पर जो है वो इस वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करूँगा। उसके बाद में मैं फिर से री एंटर करूँगा उसी पिन को जो मैंने पहले लगाया था। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है वो पिन डाल दिया, उसके बाद में मैं जो है यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो है वो ये ब्लू कलर वाला ऑप्शन है, मैं इस पर करूँगा क्लिक। तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐप को जो है वो लॉक लगाना चाहते हो तो आपने करना क्या है, आपको यहाँ पर जो है वो ऐप लॉक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपने इस ऑप्शन पर करना है क्लिक। उसके बाद में जो है वो आपने करना है प्रोटेक्ट, यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपने यहाँ पर करना है क्लिक। यहाँ इसकी मैं फिर से यहाँ पर जो है वो पासवर्ड लगा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो मेरे पास जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। यहाँ से दोस्तों अगर आप किसी भी ऐप पर जो है वो क्लिक करोगे तो वो आपका ऐप जो है वो लॉक हो जाएगा। जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पर जो है वो किसी भी ऐप को जो है वो अगर लॉक करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है वो फेसबुक को लॉक लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जो है वो ये ताला सा होगा, मैं इस पर करूँगा क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में मेरे को यहाँ पर परमिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको एक सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी कैलकुलेटर वाली, तभी आप जो है वो किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो। जैसे
मैं यहाँ पर करता हूँ कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक, उसके बाद में जो है वो मैं इसे जो है वो इस सेटिंग को जो है वो ऑन कर देता हूँ। उसके बाद में अगर मैं जो है वो किसी भी ऐप को लॉक करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसके बाद में वो ऐप जो है वो लॉक हो जाएगा। दोस्तों ऐसे आप किसी भी ऐप को जो है वो लॉक कर सकते हो बड़ी आसानी से। दोस्तों यह कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।